हेलो मेरे चटोरे, आप सब कैसे हो। मैं आज आपके लिए बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी और जल्दी से बनने वाला पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये खाने में बहुत ही लाजवाब है, साथ में बहुत कम खर्चे में और झटपट से बन जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। मेरी चैनल पर पहली बार है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पास्ता की ग्रेवी बनानी है, तो उसके लिए मैंने एक बर्तन के अंदर में थोड़ा सा ऑयल डाला है, कटा हुआ प्याज और टमाटर डाल दिया है। बस इसको हमें थोड़ा सा सौते कर लेना है। जब ये सौते हो रहा है तब तक पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पैन पास्ता लिया है, ये व्हीट पास्ता है, साथ में बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैंने पानी को गर्म कर लिया है, उसके अंदर में पास्ता ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा ऑयल डालेंगे। पास्ता को 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। मैंने इसमें थोड़े से स्पाइरल पास्ता भी डाल दिए थे। तो पास्ता हमारा बॉईल हो गया है और यहाँ पर ग्रेवी भी हमारा अच्छे से सौते हो गया है। इसको ठंडा कर लेते हैं। फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा सा सौते करना है। इसके अंदर में कटा हुआ गाजर, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न डालेंगे, शिमला मिर्ची डालेंगे। आप अपने पसंद का कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं, और कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसको स्किप भी कर सकते हो। इसको थोड़ा सा हमें सौते कर लेना है। जब ये सौते हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे। दोस्तों मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, कुछ न कुछ ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर हमारा सब सौते हो गया है। अभी इसके अंदर में डालेंगे ग्रेवी, जो हमने टमाटर और प्याज को अच्छे से सौते करके इसका ग्रेवी बनाया था, तो ये वाला इसमें ऐड कर देंगे। और इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमाएंगे और पका लेंगे थोड़ा सा। जब ये पक जाएगा तो इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने काली मिर्च डाला है आधा चम्मच के जितना, एक पैकेट मैजिक मसाला ऐड करेंगे इसमें, और थोड़ा सा ऑरेगानो डालेंगे आधा चम्मच के जितना। इसको डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसको मिक्स कर देंगे ताकि ग्रेवी में सारे ही मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये ग्रेवी बनती है ना तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। इसको देखकर ही खाने का मन करता है। अभी इसमें थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ डालने से एकदम ही क्रीमी और टेस्टी लगता है। जब इसमें चीज़ अच्छे से पिघल जाएगा तो थोड़ा सा मेयोनीज डालेंगे। अगर आपके पास में मेयोनीज नहीं है तो आप इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो। इसको डालने के बाद में हमें सबको मिक्स कर देना है। ग्रेवी हमारा रेडी हो गया है। अभी इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड कर देंगे। फिर इसको फटाफट से मिक्स करेंगे ताकि सारी ही ग्रेवी और पास्ता सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। दोस्तों आप सभी ने देखा ना, ग्रेवी वाला पास्ता बनाना कितना आसान है। जब ये घर पर इतने अच्छे तरीके से और इतना टेस्टी बनके तैयार होता है तो हमें रेस्टोरेंट कैफ़े में इतने सारे पैसे क्यों डालने हैं। क्योंकि बाहर में पास्ता बहुत ही महंगा मिलता है और साथ में जितना घर पर टेस्टी बनता है ना उतना टेस्टी बनता भी नहीं है। तो हमारा पास्ता बनके रेडी है, तो अभी इसको हम सर्व कर लेते हैं। दोस्तों मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। साथ में मेरी चैनल पर पहली बार है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली में इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। क्या पता आप किसी के घर पे मेहमान बन के जाओ और आपको यही वाला पास्ता खाने को मिले, तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आपने रेसिपी पूरी देखी तो आप सबको थैंक यू। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।